नमस्कार दोस्तों, आइए हम आपको दिखाते हैं इटालियन मार्बल कैसे बिछाते हैं और कैसे कटिंग करते हैं और कैसे इसको एक दूसरी को चिपकाते हैं। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, कई बार कोई लोग क्या करते हैं, फीस को औंधा बिछा देते हैं, पॉलिश होती है उसको नीचे और इसका फाइबर होता है उसको ऊपर कर देते हैं, तो उससे फीस टूट जाता है। हमारी वीडियो के अंदर आप देख रहे होंगे, जैसे फीस को बिछा रखा उसी तरह से बिछाएं। अगर आपने औंधा फीस बिछा दिया तो वो जगह जगह से क्रैक हो जाएगा। कटिंग करने के लिए बारीक वाली दाने की ब्लेड लें और फंटी लगा कर आराम से पानी से काटिंग करें। धीरे धीरे मशीन पर ज़्यादा दबाव नहीं दें, और मशीन पर दबाव दिया तो कुर्रे हो जाएंगे। पूरा पीस कटने के बाद में मशीन का जैसे ही पत्थर का ओड़ आता है तो मशीन को धीरे धीरे हल्के हाथ से दबाव देते हुए धीरे धीरे से कटिंग करें, वरना आगे का जो पत्थर की धार होती है वो टूट जाएगी, उससे पत्थर का नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गया था, पर अब बताने जा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा, पर आप कमेंट करोगे तो ही तो पता चलेगा मेरे को आगे आपको क्या चाहिए, उसी हिसाब से आगे मैं आपको बना के दूंगा। जो भी आप कहेंगे वही मैं बना के दूंगा। अब देखते हैं ये पट्टी चिपकाने के लिए पट्टी की जगह को ग्राइंडर से साफ करना, बिल्कुल ऐसे करना है कहीं भी फाइबर नहीं रह जाए। साफ करने के बाद इसको कपड़े से हल्का साफ करें, साफ बिल्कुल क्लीन कर लें, इसमें कोई धूल डस्ट वगैरह नहीं रहे। अगर धूल डस्ट रहेगी तो पट्टी ढंग से चिपकेगी नहीं, अगर पट्टी ढंग से नहीं चिपकेगी तो आपकी जो मेहनत है उस पर पानी फिर जाएगा। फिर भी मैं आपको एक बार बताना जा रहा हूँ, अगर पट्टी चिपकानी है तो एक बार ज़रूर से ज़रूर कपड़े से साफ करके एयरलाइट और मास्टिक ये दोनों अच्छी तरह से लगाएं, जिस तरह हमने इसमें लगा रखी है। आप देख सकते हो पट्टी अब चिपकाने जा रहे हैं, तो पट्टी को आहिस्ते हल्के हाथ से दबाव देते हुए पट्टी को आगे पीछे सरकाते रहें, उससे पट्टी का जॉइंट बिल्कुल बारीक आएगा। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, एक पट्टी अगर टूट भी जाती है तो उस जॉइंट पर मास्टिक लगाकर अगली पट्टी को चिपका सकते हो। उसमें सिर्फ पट्टी के जॉइंट पे मास्टिक लगाकर हल्के से दबाव से ही चिपकानी है। अगर कोई बीच में से कोई निकल के चले जाता है पत्थर, तो उसमें भी मास्टिक ही काम दी जाएगी, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अब आप समझ ही चुके होंगे मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आप नहीं समझ पाए होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको ज़रूर भेजें। इसमें एक साइड तो अंदर साइड में एयरलाइट और बाहर साइड में जिधर पट्टियों का मुँह रहेगा, जॉन दिखेगा, उधर मास्टिक का उपयोग करें। यदि मैं एक बार आपको बताने जा रहा हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली वीडियो लेकर आएंगे फिर अगले सुबह। सभी भाइयों को हैप्पी न्यू ईयर, राम राम मेरे प्यारे भाई।